हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास फॉर थर्ड स्टैंडर्ड। टुडे वी विल डू लेसन नंबर 3 एंड द टॉपिक नेम ऑफ द लेसन इज तेनाली रमन ड्रॉज अ पिक्चर। नाउ तेनाली रमन कौन है? सी, तेनाली रमन इज अ फेमस कैरेक्टर, इज अ फेमस इंडिविजुअल हु इज़ नोन फॉर हिज जोक्स। अपने जोक्स के लिए वो काफ़ी फेमस है। ओके, अब ये क्या? ओके, नाउ वी विल सी व्हाट इज़ रिटन डाउन। देखो वहाँ पे छोटा सा फॉन्ट में दिख रहा है, तेनाली रमन इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ ड्राइंग बोर्ड। तो रमन कहाँ पे खड़ा हुआ? ही स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ ड्राइंग बोर्ड। ड्राइंग बोर्ड किसको बोलते हैं? जहाँ पे पिक्चर्स वगैरह ड्रॉ करने के लिए जो बड़ा सा होता है ना, सफ़ेद कलर का बोर्ड जो होता है, उसको बोलते हैं ड्राइंग बोर्ड। तो वो ड्राइंग बोर्ड के सामने खड़ा हुआ है। ओके, नाउ मैसेंजर। मैसेंजर यानी जो मैसेज लेकर आते हैं कोर्ट, जैसे जो बड़े बड़े जो किंग लोग जो यहाँ पैलेस में रहते हैं, उनका जो मैसेज लेकर आते हैं ना कि आपको राजा ने बुलाया है, आपको रानी ने बुलाया है, आपको ये हाँ है वहाँ है, तो उसको बोलते हैं मैसेंजर। तो मैसेंजर देखो, व्हाट इज़ ही सेइंग टू रमन? गुड आफ्टरनून सर, द किंग वॉन्ट्स यू। तो क्या बोल रहा है मैसेंजर? उसको पहले ग्रीट कर रहा है, ही सेइंग गुड आफ्टरनून सर, द किंग वॉन्ट्स यू, यानी किंग को तुम, किंग तुम्हें बुला रहे हैं। ओके, नाउ सी व्हाट इज़ रमन सेइंग? डोंट डिस्टर्ब मी, आई एम बिज़ी। तो रमन क्या बोल रहा है मैसेंजर को कि डो नॉट डिस्टर्ब मी, डोंट डिस्टर्ब मी, आई एम बिज़ी। सो ये सुनते साथ मैसेंजर कहाँ? वो चला जाता है, मैसेंजर गोज अवे। नाउ सी, उसके नीचे देखो किंग लिखा हुआ है। नाउ द किंग इज़ वॉकिंग इन। किंग वॉक्स इन यानी किंग अभी अंदर आ रहा है। रमन आई वॉज वेटिंग फॉर यू, वॉट आर यू डूइंग? तब रमन क्या, किंग क्या बोल रहा है? रमन क्या बोल रहा है कि रमन मैं तुम्हारा वेट कर रहा था, आई वॉज वेटिंग फॉर यू, वॉट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो? नाउ सी व्हाट रमन इज सेइंग, योर मैजेस्टी आई वॉज ड्राइंग अ पिक्चर। तो रमन क्या बोल रहा है कि योर मैजेस्टी आई वॉज ड्राइंग अ पिक्चर, मैं पिक्चर ड्रॉ कर रहा था। अब देखो किंग क्या बोल रहा है, आई सी, वी वुड लाइक टू सी द पिक्चर। अब किंग क्या बोल रहा है, ओ अच्छा ऐसा, ठीक है, नाउ आई वुड लाइक टू सी द पिक्चर, मुझे पिक्चर देखना है। ओके, नाउ सी रमन क्या बोल रहा है, योर मैजेस्टी दिस इज़ माई पिक्चर। तो रमन उसको एक अपना ड्राॅइंग बोर्ड दिखा रहा है, किंग को बोल रहा है कि यहाँ पर है, ये है मेरा पिक्चर मैजे। ओके, नाउ किंग देखो क्या बोल रहा है, इज दिस अ पिक्चर, व्हाट हैव यू ड्रॉन रमन, प्लीज़ एक्सप्लेन। वो किंग क्या बोल रहा है, वो बोर्ड को देख के, वो ड्राॅइंग बोर्ड को देख के किंग बोल रहा है कि ये पिक्चर है, तुमने क्या ड्रॉ करे, ज़रा मुझे एक्सप्लेन करना, ज़रा मुझे समझाना। अब देखो रमन क्या बोल रहा है, आई वॉज ड्राॅइंग अ काव ईटिंग लोड्स ऑफ ग्रास। अब देखो किंग क्या, अब रमन क्या बोल रहा है कि मैं एक काव बना रहा था, और काव क्या कर रही थी, तो काव वॉज ईटिंग लोड्स ऑफ ग्रास, वो घास खा रही थी। अब देखो किंग क्या बोल रहा है, लोड्स ऑफ ग्रास, आई कांट सी एनी ग्रास हियर। तो किंग क्या बोल रहा है, लो घास का बंडल, लेकिन मुझे तो यहाँ कोई घास नहीं दिख रही है। नाउ सी व्हाट रमन इज सेइंग, दैट बिकॉज द काव एट इट अप। अब क्या बोल रहा है, ऐसा क्योंकि जो काव है उसने पूरा घास खा ली। अब देखो किंग क्या बोल रहा है, एंड वेयर इज द काव। अब देखो रमन, अब किंग ने उससे क्या पूछा कि काव किधर है, अगर घास उसने खा ली तो वेयर इज़ द काव। सो नाउ सी व्हाट इज़ रमन सेइंग, आफ्टर ईटिंग अप ऑल द ग्रास द काव वॉकड अवे, योर मैजेस्टी। अब रमन क्या बोल रहा है कि पूरा घास खाने के बाद काव कहाँ चली गई, शी वॉकड अवे, वो चली गई। तो नाउ द किंग, हा हा हा, रमन यू ऑलवेज मेक मी लाफ। तो किंग हंसने लगा, एंड ही सेड कि रमन तुम हमेशा मुझे हंसाते हो। सो बेसिकली ये क्या स्टोरी थी, एक और बार मैं छोटी एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो रमन क्या बोल रहा था कि रमन वॉज लुकिंग इन एट द ड्राॅइंग बोर्ड, वो ड्राॅइंग बोर्ड को देख रहा था, उतने में ही किंग एंटर कर, अच्छा उससे पहले क्या होता है, द मैसेंजर कम्स एंड टेल्स रमन, जो मैसेंजर है सिपाही जो है वो रमन से आता है और क्या बोलता है कि द किंग इज़ कॉलिंग यू। तो रमन क्या बोलता है कि नहीं मुझे मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं बिज़ी हूँ। फिर इसके बाद में किंग है वो खुद अंदर आता है रमन के पास, और रमन से पूछा कि रमन तुम क्या कर रहे हो, मैं तुम्हें याद कर रहा था, आई वॉज कॉलिंग यू। तो रमन क्या बोलता है कि मैं ड्राॅइंग कर रहा हूँ। तो किंग क्या बोलता है कि अच्छा कौन सी ड्राॅइंग कर रहे हो, ज़रा बताना हमें। तो रमन उसको अपनी खाली बोर्ड दिखाता है और बोलता है कि मैं काव बना रहा था, और जो काव है वो घास खा रही थी, द काव वॉज ईटिंग लोड्स ऑफ ग्रास। तो किंग बोलता है लोड्स ऑफ ग्रास, घास का बंडल, लेकिन यहाँ तो घास का बंडल ही नहीं दिख रहा। तो रमन क्या बोलते हैं, क्योंकि जो काव है उसने घास खा लिया, खा ली पूरा। फिर उससे किंग जो है वो रमन से पूछते हैं कि अच्छा अगर काव ने घास खा ली तो काव किधर है। तो रमन क्या बोलते हैं, अब घास खाने के बाद वो चली गई, शी वॉकड अवे। अब ये इसका आंसर सुनते ही द किंग स्टार्टेड लाफिंग, एंड ही सेड कि यू ऑलवेज, तुम हमेशा मुझे हंसाते हो, यू ऑलवेज मेक मी लाफ। ओके, तो ये क्या था, दिस वॉज अ स्किट, ये स्किट था। स्किट किसको बोलते हैं, जो नाटक, जो छोटा सा
स्किट नाटक होता है ना, जो छोटा सा प्ले होता है, दैट इज नोन एज स्किट. ओके, तो ये एक छोटा सा स्किट था. ओके, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है. इन दिस स्किट रमन गिव्स अ फनी एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाई देयर वाज नथिंग इन हिज पिक्चर. कैन यू थिंक ऑफ अदर सच फनी एक्सप्लेनेशन. ये वाले स्किट में तो रमन ने क्या एक्सप्लेनेशन, क्या आंसर, क्या जवाब दिया था, क्या एक्सप्लेन करा था कि कैसी उसकी पिक्चर, उसकी पिक्चर कैसी थी. तो इतना फ़नी वे में उसने बताया कि उसने एक काउ ड्रॉ किया था जो घास खा रही थी. काउ ने पूरा घास खा ली और खाते ही वो चली गई. सो दिस वाज अ वेरी फ़नी आंसर. तो यहाँ पे क्या पूछा है कि कैन यू पीपल, ठीक है, कैन यू, क्या तुम भी ऐसे कोई फ़नी आंसर्स, कोई फ़नी एक्सप्लेनेशन सोच सकते हो. तो अगर सोच सकते हो तो सोचो और फिर मुझे बताना. ओके ओके, नाउ यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है. फर्स्ट वन है रीड द स्किट अलाउड एंड एक्ट. ओके, वी विल स्किप दिस पार्ट. क्वेश्चन नंबर टू में है आंसर द फॉलोइंग. फर्स्ट वन इज व्हाई डिड द किंग सी, व्हाट डिड द किंग सी ऑन द रमन्स बोर्ड. रमन के बोर्ड में किंग ने क्या देखा. द किंग सॉ नथिंग ऑन द बोर्ड. किंग ने कुछ नहीं देखा. इट वॉज अ ब्लैंक वाइट बोर्ड. थर्ड सेकेंड में हैड रमन रियली ड्रॉन अ काउ ईटिंग ग्रास. क्या रमन ने सही में ऐसी कोई पिक्चर बनाया था जिसमें जो गाव काउ है वो घास खा रही थी. नो, ही हैडन पेंटेड एनीथिंग. थर्ड में कैन अ काउ वॉक अवे फ्रॉम अ पिक्चर. एक पिक्चर में से क्या गाय जा सकती है, गायब हो सकती है. नो, इट कैन नॉट वॉक अवे. ओके ना, थर्ड वन इज री टेल द अबाउ स्टोरी इन द फॉर्म ऑफ अ जोक. वी विल स्किप दैट पार्ट. That's it for today. So we have completed lesson number 1, that is poem, lesson number 2 and number 3. We will end the lecture with this. Goodbye everyone. Thank you.